You're welcome in Poonch Life. नाम रियाज अहमद, मैं कुसलिया पंचायत से हूँ। आज हमारी पंचायत में दुर्गा बटालियन की तरफ से कैंप मुनाकिद किया गया, जिसमें कोविड जो है वैक्सीनेशन जो है वो की गई है। जगह जगह पर लोगों को इसके आगाह किया गया। एक रात भर से एक मुहिम चली थी हमारी पंचायत के अंदर कि कल जो है यहाँ पर आवाम को जो है वो वैक्सीन लगवाई जाएगी फौज की तरफ से। तो मैं अपनी तरफ से, अपनी पंचायत की तरफ से दुर्गा बटालियन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो 45 साल से ऊपर के हमारे अफराद थे वो लगभग सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे आए और पूरी मुहिम में सब ने हिस्सा लिया और यहाँ पे वैक्सीन सब ने लगवाई, और जिससे ये हम आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इस महामारी के अंदर उन्होंने बढ़ चढ़ कर हमारा साथ दिया और लोगों को वैक्सीन लगाई, जिससे गाँव-गाँव में जाके उन्होंने वैक्सीन लगाई और इस महामारी में इससे बचने के लिए हमारा बहुत साथ दिया। मैं इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम ऑर्डनरी कैप्टन मोहम्मद सादक शौर्य चक्रा, सरपंच कसलियां पंचायत। यहाँ पर इस टाइम हम मौजूद हैं जो कसलियां से दुर्गा की तरफ रोड जाने वाला, जिसको हम 80 पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैंप लगा हुआ है जो कि हमारी जो पुंछ ब्रिगेड की दुर्गा बटालियन की जो यहाँ पर AOR है, जो इनका जिम्मेवारी का इलाका है। यहाँ पर हर हर गांव के बीच में आज ये आर्मी की तरफ से एक कैंप लगा हुआ है, जिसके बीच में आज यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग अपना वैक्सीनेशन जो है करवा रहे हैं। तो जो इनकी एज जो है वो 45 साल से लेकर 60 साल तक का जो आदमी है उनको यहाँ पर इंजेक्शन दिया जा रहा है, और ये सभी जगह आज लग रहा है। और ये एक यहाँ के आवाम के लिए एक फ़ौज की तरफ से बहुत बड़ी राहत है, और फ़ौज की तरफ से एक बहुत बड़ा जो है योगदान है कि लोगों को यहाँ पर बुला करके यहाँ पर जो है वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। जय हिंद, आई एम कैप्टन एबिन मैथ्यू, मेडिकल ऑफिसर दुर्गा बटालियन पूंछ ब्रिगेड के तरफ से है। हमारा दुर्गा बटालियन पूंछ ब्रिगेड के तरफ से हम सिविल हॉस्पिटल अथॉरिटी से टाई अप करके हम एक आउटरीच प्रोग्राम जैसा कर रहा है। हम जो LC का गांव है जो दूर है पूंछ से, वहाँ पर हम जाके वहाँ का जो भी 45 एज का ऊपर का लोग है उनको हम बुला के उनको वैक्सीनेशन दे रहा है। अभी दो तीन दिन पहले हम यहाँ का एक विलेज में गया था, वहाँ पर 100 के ऊपर लोगों को हमने वैक्सीनेशन दिया था। अभी यहाँ पर हमने कुकरी में भी हम ऐसा वैक्सीनेशन का आयोजन किया है विद कोलैबोरेशन विद सिविल अथॉरिटीज़, और यहाँ पर भी मोर देन 100 पीपल आया है 45 ईयर प्लस का वैक्सीनेशन के लिए, और हम और एरियाज में हमारा बाकी गांवों में भी करने का प्लान कर रहा है अभी। हाँ, हम लेक्चर्स भी ले रहा है, वो वैक्सीनेशन का इम्पोर्टेंस और एडवांटेज के बारे में हम उनको सिखा रहा है, पैम्फलेट्स दे रहा है, ताकि वो अपने गांव में जाके बाकी लोगों को भी लाइक मोटिवेट कर सकता है। और डेफिनेटली एक ये तो वैक्सीनेशन करना ही पड़ेगा सब लोगों को, बिकॉज वैक्सीनेशन से ही हम एक कोरोना जैसा बीमारी से हम बच सकते हैं।